बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन पहले ये भारत का ही अभिन्न अंग हुआ करता था। 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही बांग्लादेश कटकर पाकिस्तान का हिस्सा बना और साल 1971 में बांग्ला मुक्ति संग्राम के बाद भारत के सैन्य प्रयोग के द्वारा एक अलग देश बना। वैसे बांग्लादेश से जुड़े कई ऐसे अन्य रोचक बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आज हम आपको बांग्लादेश से जुड़े कुछ ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहे। फैक्ट नंबर 1, यूनिसेफ के द्वारा करवाए गए एक सर्वे में यह रोचक खुलासा हुआ है कि बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश का नंबर नाइजीरिया के बाद आता है। यही नहीं, पूरी दुनिया में बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। बांग्लादेश में सैकड़ों मामले हर साल ऐसे भी आते हैं जिनमें केवल पैसे या अन्य पारिवारिक दबाव के चलते कम उम्र की लड़कियों की शादी बुजुर्गों के साथ कर दी जाती है। फैक्ट नंबर 2, छोटा सा बांग्लादेश आबादी के मामले में बड़े बड़े देशों को मात देता है। यह बहुत हैरानी की बात है कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश आबादी के मामले में दुनिया में 8वें नंबर पर आता है, जो एक बहुत ही गंभीर बात है। बांग्लादेश में प्रति वर्ग किलोमीटर 3000 लोगों की औसत आबादी रहती है। फैक्ट नंबर 3, बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जो कि बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है। बांग्लादेश में 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और यहाँ कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। फैक्ट नंबर 4, बांग्लादेश का इतिहास भारत से बहुत ज़्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है तथा भारत की प्राचीन सभ्यताओं का शासन बांग्लादेश में रहा है। यहाँ प्राचीन भारतीय साम्राज्य जैसे गुप्त, मगध तथा मुगलों का शासन रहा है। प्राचीन समय में ढाका पूरे दक्षिण एशिया का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली केंद्र था। फैक्ट नंबर 5, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिलने में 15 लाख से अधिक लोगों की को मौत के गले लगना पड़ा था। बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 में अपनी आज़ादी की घोषणा की, जो कि 16 दिसंबर 1971 को मिली। बांग्लादेश ने 9 नवंबर 1972 को अपना संविधान अंगीकार किया। फैक्ट नंबर 6, खेलों के मामले में बांग्लादेश का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, जबकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। टेस्ट क्रिकेट में भी बांग्लादेश को मान्यता मिली हुई है तथा यह टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला एशिया का 4th देश है। फैक्ट नंबर 7, बांग्लादेश की आबादी 80% किसानी है, जो कि खेती पर निर्भर है। बांग्लादेश कपड़ों के निर्यात से सर्वाधिक आमदनी प्राप्त करता है। फैक्ट नंबर 8, बांग्लादेश में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है। आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में करीब 1 लाख से भी ज़्यादा महिलाएं देह व्यापार का हिस्सा बनी हुई हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में दुनिया का सबसे बड़ा वेश्यालय भी है, जहाँ करीब 13 लड़कियाँ और महिलाएं काम करती हैं। फैक्ट नंबर 9, कटहल बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु तथा लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। फैक्ट नंबर 10, बांग्लादेश में एग्जाम के दौरान नकल करने को बहुत गंभीर अपराध माना जाता है तथा बांग्लादेश में एग्जाम के दौरान नकल करने पर पकड़े जाने पर जेल की सजा भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 11, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी रचना को एक से अधिक देश, क्रमशः भारत और बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान का दर्जा प्राप्त है। फैक्ट नंबर 12, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में हरे और लाल दो रंग प्रयोग किए गए हैं। जहां हरा रंग खुशहाली और प्रगति का प्रतीक है, वहीं लाल रंग बांग्लादेश मुक्ति की लड़ाई में अपना खून बहाने वाले सेनानियों को एक श्रद्धांजलि है। फैक्ट नंबर 13, बांग्लादेश का सबसे पुराना शहर महास्थानगढ़ है। सबसे पहले संगठित रूप से इसी शहर में लोग बसे थे। बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी भाग स्थित सियालहट भी काफ़ी पुरानी शहर है, जहां तमाम धरोहर है। फैक्ट नंबर 14,
पुरुषों को यहाँ की महिलाओं से हाथ मिलाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इस तरह की हरकत से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, यहाँ ऐसा करना सख्त मना है। इसकी जगह पुरुष अपना एक हाथ दिल के पास रखकर झुकते हुए महिलाओं को इज्जत देते हैं। फैक्ट नंबर 15, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरवन का 40% हिस्सा भारत में है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में। सुंदरवन को यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज साइट में शामिल किया है, जो कि सुंदरी के पेड़ों के नाम पर रखा गया है। सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। फैक्ट नंबर 16, बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। फैक्ट नंबर 17, बांग्लादेश की आर्मी में 3,00,000 सैनिक है जिनमें रिजर्व सैनिक भी शामिल हैं। बांग्लादेश की वायुसेना में 22,000 जवान हैं तो नौसेना में 24,000 जवान हैं। फैक्ट नंबर 18, बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में सबसे बड़ा सहयोगी है। मौजूदा समय में बांग्लादेशी शांति सैनिक कांगो, लाइबेरिया, दारफुल, हैती, लिबनान, दक्षिण सूडान, साइप्रस जैसे विवादित देशों में तैनात है। फैक्ट नंबर 19, बांग्लादेश में हर साल 80 से अधिक फिल्में बनती हैं। बांग्लादेश में भारतीय फिल्म स्टार राहुल रॉय की गिनती बड़े स्टार्स में होती है। इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब